क्या मतलब है आपका कि वो जमीन मैंने जबरदस्ती हथियाई है? आप चाहे तो मेरे पेपर चेक कर सकते हैं, मेरी रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है मिस्टर जायसवाल, आप कहते हैं तो हम आपकी रजिस्ट्री चेक कर लेते हैं। यही है ना? जी मिस्टर जायसवाल, सारे गवाहों के मुताबिक इस जमीन का सौदा 15 अक्टूबर को हुआ था। आप सहमत है इस बात से? जी जी हाँ। ये रजिस्ट्री आपने 13 अक्टूबर को अपने नाम पर दो दिन पहले कैसे करवा ली? मिस्टर जायसवाल, दो दिन पहले ही आपको पता था कि ये जमीन आपके नाम होने वाली है। इसका मतलब तो सिर्फ ये हो सकता है, या तो ये पेपर जाली है, या तो आपने रिश्वत देकर दो दिन पहले इसको अपने नाम पर करवाया। मुझे लगता है 13 अक्टूबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। गलती हुई है मिस्टर जायसवाल, और गलती ये हुई आपने हजारों गरीबों की जमीन को हथियाया मिस्टर जायसवाल, और इसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। साफ जाहिर होता है कि मिस्टर जायसवाल ने 13 अक्टूबर को यह जमीन रिश्वत देकर खरीदी थी। That's all you know. ये अदालत जायसवाल वर्सेस सुरेश साहनी के केस में अपना फैसला मिस्टर सुरेश साहनी के पक्ष में सुनाती है और मिस्टर जायसवाल के सारे क्लेम्स को नामंजूर करते हुए पुलिस को ये हिदायत देती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। द केस इज क्लोज्ड, कोर्ट इज एडजर्न्ड। बहुत अच्छे वीरेन, तुम बहुत अच्छा केस लड़े। बाबूजी तुम्हारी जीत से बहुत खुश होंगे। मेरी नहीं चाचू, हमारी जीत। अगर आप मेरी ओपनिंग दलील लिखते तो शायद इस केस की बुनियाद थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती। केस लिखने से ज्यादा हुनर केस को पेश करने का होता है वीरेन, जो शायद मैं नहीं कर पाता। कांग्रेचुलेशंस। ये फैसला मेरे खिलाफ नहीं, तुम्हारी जिंदगी के खिलाफ हुआ है वीरेन वधेरा। मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुम इस केस से पीछे नहीं हटे। अब देखना तुम्हारा क्या अंजाम करता हूं। जो भी करेगा कानून करेगा मिस्टर जायसवाल। एक गलती की सजा तो आप भुगत ही रहे, दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि आप एक वकील को धमकी दे रहे हैं। देखो वीरेन। बस मिस्टर जायसवाल, मिस्टर वीरेन वधेरा, मुझसे दुश्मनी लेके तुमने बहुत बड़ी गलती की है।